अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और SAC की रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। आज की जो रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें भी हम SAC के लेमन एसेंस को इस्तेमाल करेंगे और येलो फूड कलर का इस्तेमाल होगा और इससे हम बना रहे हैं आज आप लोगों के लिए लेमन चिकन। अच्छा, लेमन चिकन एसेंस भी है लेमन का और इसको पाउडर फॉर्म में भी मौजूद है। तो आप जानते हैं जितने एसेंस हैं वो सब पाउडर फॉर्म में मौजूद हैं और ना सिर्फ ये कि होम मेड, लेकिन आप इसको कमर्शियल बेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे इनका चिकन पाउडर है, चाहे इनका लेमन पाउडर है, ये सब कमर्शियल बेस कमर्शियल पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इजीली इनको ले सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चिकन आप दोनों तरीके हैं इसके, आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं और विद बोन भी बना सकते हैं। मैंने आज इसकी सिलेक्शन जो की है विद बोन की है। तो यहाँ पर एसेंस का जो है येलो फूड कलर हमने ऐड किया था पानी में और चिकन को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि वो थोड़ी सी येलो कलर में आ जाए। अब हम ले लेंगे पैन में ऑयल। अगेन हेल्दी फूड आपको चाहिए तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए अपने खाने में और कुछ भी आप बनाइए उसमें, मतलब जो भी चीज़ आप पका रहे हैं नॉर्मल ऑयल की जगह आप उसको कोकोनट ऑयल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कोकोनट ऑयल SAC का तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, 4 टेबल स्पून और चिकन जो है वो मेरे पास तकरीबन 1/2 kg है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जस्ट 1 teaspoon, नॉट मोर देन 1 teaspoon हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट और ये तकरीबन जाएगा 2 खाने के चम्मच। ठीक है, उसके साथ हम डालेंगे इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर जो है वो आप डाल देंगे इसमें तकरीबन 2 teaspoon। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद योगर्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून, अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन एसेंस और लेमन एसेंस जो है ये आप यूज करेंगे इसमें तकरीबन, लेमन एसेंस जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 teaspoon। अगर कम लगेगा तो मे बी हम इसमें और ऐड कर दें, लेकिन फिलहाल 1.5 teaspoon हमने लेमन डाल दिया है, लेमन एसेंस। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं और इस स्टेज पर आप इसमें फ्लेवरिंग चेक कर लीजिए अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा है ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो चिकन हमने यहाँ बॉयल होने के लिए रखी थी, जो कि हमारे पास बॉयल हो चुकी है, चिकन ऐड करेंगे। ठीक है जी, अच्छे से इसको अब आपने इस मिक्सचर के साथ पकाना है। लेमन चिकन हमारे पास बिल्कुल तैयारी पर है, कम से कम आपने इसको चिकन को ऐड करने के बाद इस सॉस में आपने इसको कम से कम 5 से 8 मिनट पकाना है ताकि चिकन पर अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। चिकन ऑलरेडी गली हुई है क्योंकि हमने इसको बॉयल कर लिया था। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए आप चिकन को इस तरह से बॉयल करके रख लिया कीजिए और जब भी आपने कोई चीज़ ऐड बनानी है उसमें आपने चिकन को ऐड किया, पकाया और डन किया। ठीक है, इसे मैं एक और रेसिपी भी आपको दूँगा और इसी में हम बनाएंगे लेमन राइस और इसको हम डिश आउट भी करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास लेमन चिकन तैयार है
और बल्कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम वैसे ही डिश आउट करता हूँ ताकि पहले हम राइस बना लें फिर इसकी फुल प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। अच्छा, सेम वही सॉस है जो हमने चिकन जिसमें बनाई है। थोड़ा सा मैंने सॉस रोक लिया है, मेरे पास तकरीबन बॉयल राइस हैं और ये बॉयल राइस तकरीबन हमने यूज़ कर लेने हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि 2 कप के करीब, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, सेम उसी सॉस में से चिकन ऐड कर निकाल ली है, अब ये राइस हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन राइस हमारे पास तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें SAC का चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए। नमक ऐड कर दीजिए थोड़ा सा राइस में। अच्छे से आपने इसको टॉस करना है। बिल्कुल सही है, आई फील कि इसमें हम अगर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अब इसको हम मिक्सअप कर लेंगे और हमारे पास राइस मज़ीद मज़ेदार हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें SSC का चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि इसको और अच्छा फ्लेवर दे देगा। लाइट राइस हैं, लाइट फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बहुत पसंद आएंगे, स्पेशली समर के हवाले से ये बहुत अच्छी रेसिपी है। चलिए, ये हमारे पास डन हो गई है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमारे पास लेमन चिकन, पेपर डाल दीजिए। चलिए, हमारे पास आज की ये रेसिपी हो गई कंप्लीट।